हेलो किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करना चाहेंगे गन्ना प्रजाति CUS 17231 के बारे में, जो कि हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर द्वारा हाल ही में विकसित की गन्ने की एक अग्रेती किस्म है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गन्ने के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, किस प्रकार से आप इसकी जाँच करेंगे कि यह गन्ना प्रजाति 17231 है और इसका जो बीज है आप इस वर्ष किस माध्यम से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार आपको इसका गन्ना का बीज प्राप्त हो सकेगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो किसान हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई गन्ने की प्रजातियाँ विकसित होती हैं उसके बारे में सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। किसान भाई, जैसा कि यह गन्ना प्रजाति हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर द्वारा विकसित की गई हाल ही में एक गन्ने की अग्रेती प्रजाति है। जैसा कि किसान भाइयों, हम जब भी किसी की प्रजाति की जो पहचान करते हैं तो या फिर उसके कलर रंग ढंग से या फिर उसकी जो बड होती है उससे हम लोग उसकी पहचान करते हैं, गन्ने की जैसे आँख होती है उससे पहचान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि इस प्रजाति में देखने को मिला है, आप देख पा रहे होंगे इसकी जो गन्ने की आँख है वह त्रिभुज के आकार की आँख होती है। गन्ने की जो आँख होती है उसकी ऊपर की तरफ चोर निकली होती है। अगर आप इसकी आँख पर ऊपर से हाथ फेरेंगे तो आपको जो गन्ने की आँख है ऊपर से चुपती हुई दिखाई देगी। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि यह गन्ना जो है अभी मध्यम पोरी का देखने को मिला है और गन्ना काफ़ी ठोस भी है। गन्ना के जो इंटरनोड है वह मध्यम पोरी के आकार की है और गन्ने का कलर जैसे किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हल्का सा हरा और कालापन लिए हुए गन्ना का कलर है। जैसे कि आप बट को नज़दीक से देखेंगे त्रिभुज की कार की इसकी जो आँख है वो हमें दिखाई देने को पड़ती है। किसान भाई, बात करेंगे इसकी शुगर रिकवरी, तो इसकी शुगर रिकवरी 16-17% हमारे शोध परिषद द्वारा बताई गई है, तो काफ़ी अच्छी शुगर रिकवरी हुई है, जिसके कारण जो हमारी चीनी मिले हैं उनको भी यह प्रजाति से काफ़ी अच्छा लाभ पहुँचेगा और चीनी मिलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को इस प्रजाति से काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा, क्योंकि इसके जो बेसिक करेक्टर जो बताए गए हैं हमारे शोध परिषद द्वारा तो काफ़ी अच्छे बेसिक करेक्टर हैं। जैसे कि जो हमारी गन्ना प्रजाति 13235 भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस लेकर आई थी, उसी प्रकार यह गन्ना प्रजाति भी हमें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स देगी। और जैसा कि किसान भाइयों, जो हमारी 13235 उसमें थोड़ी सी आँखें वगैरह उभरी हुई दिखाई देती प्रतीत होती हैं, तो ऐसा कोई चीज़ इस प्रजाति में नहीं देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे बेसिक करेक्टर हैं इस प्रजाति के हैं। और किसान भाइयों, इस वर्ष जो इस प्रजाति का बीज आपको किस प्रकार प्राप्त होगा और किस समय इसका बीज वितरण किया जाएगा, तो किसान भाइयों इसका जो बीज वितरण है हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर द्वारा इस वर्ष वितरित किया जाएगा। किसान भाइयों, हमारे शोध परिषद द्वारा बताया गया है कि इसका जो बीज वितरण है वह अक्टूबर के माह में या उसके बाद जो फरवरी के माह भी कुछ हमारे किसान भाइयों को इसका बीज दिया जाएगा। किसान भाइयों, जो भी आप इसका बीज प्राप्त करें तो हमारे शोध परिषद से सीधा प्राप्त करें, क्योंकि किसान भाइयों इसका बीज अभी बहुत ही कम मात्रा में कहीं फैला है, क्योंकि अभी हाल ही में विकसित की गई है। तो किसान भाइयों, आप इसका जो बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर द्वारा ही इसका बीज प्राप्त करें, क्योंकि हाल ही में विकसित होने के कारण इसका बीज अभी ज़्यादा मात्रा में तैयार नहीं हो पाया था। तो किसान भाइयों, इस वर्ष जो इसका बीज वितरण किया जाएगा तो हमारे गन्ना शोध परिषद द्वारा किसान मेला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस टाइम इसका बीज वितरित किया जाएगा। किसान भाई, जैसे ही हमें इसके बारे में अपडेट मिलेगी तो अगली वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जरूर जानकारी दे देंगे। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।